हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मेरी है शाम की रेसिपी, तो देख सकते हैं आपकी मैं बना रही हूँ दाल की पूरी, जिसमें कि दाल को मैंने पहले अच्छे से बॉईल किया है, उसमें नमक और हल्दी डाल के और फिर उसको अच्छे से सारे मसाले सारा डाल के अच्छे से बाद में भून के और उसको थोड़ा सा हाथ से बारीकी से करके, और देख सकते हैं कि आप, मैंने इसमें आटे में बहुत ही अच्छे से फिल कर दिया है। और इस तरह से फिल करना है और इसको इसको बेलना नहीं है, इसको हाथ की तरह से और इसको अच्छे से इसमें भर के और फिर हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो इसको ज़्यादा दबाना वबाना नहीं है, वरना जो दाल है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारी तरफ बोलते हैं इसको दाल पूरी। तो हैं कि मेरी जो दाल की पूरी है वो इस तरह से बन के हो गई है, बहुत ही टेस्टी टेस्टी तैयार। तो आप किसी भी दाल के बना सकते हैं। कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, और बनाना हो तो आप मेरे से हर रेसिपी शेयर कर सकते हैं, पूछ हे सकते गाइस, हैं तो मेरे मैंने बारे धोए में थे कल कपड़े और अब मैं रेसिपी के इसमें दो बारे में। उतार के ले आई तो हूँ। अब मैंने इनको हो लगा गई थी लिया जो शाम, तय शाम के बज गए थे और 4, तो फिर मैंने मेरा सोचा कि काम भी चलो मैं सारा हो कपड़े धो चुका लेती है हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा बैठे बैठे पक ना का दिया बोर है हो रही मेरे थी, तो बेटे मन ने, नहीं और लगा इसको रहा था। देख मेरा लो, बेटा खेल रहा है, और इतनी देर में पानी मैं भी धो है लेती हूँ फटाफट से कपड़े, मशीन लगा लेती हूँ। तो फिर मैं कर सोचा कि लेती नहीं, हूँ कपड़े थोड़े ही की हैं, हाथ से ही तय, धो लेती हूँ, तो मैंने और इन्हें हाथ फिर से ही उसके बाद मैं फटाफट से निकाल नहाऊंगी, लिए। मेरा सारा काम कंप्लीट। टाइम हो गया है, 4:15 हो गए। तो हमारे पार्क में कहाँ गए वो? देख पापा कहाँ है, कहाँ है पापा? पापा कौन चल रहा है? ये डेविन पकड़ो। भागो 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 भागो। देख अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। डेविन डेविन भाग रहा है, देख भी नहीं रहा है। टाइम देख कितना अच्छा, 5:15 हो गई। यहाँ घड़ी की पिक लेती हूँ मैं, आपको घड़ी दिखाती हूँ गाइस। देख देख, 5:30 तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है घड़ी और ये रियल में इसका टाइम है, और टाइम हो गया है 4:15, 4:10 हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने देखा मेरे बेटे को इस तरह से चला रही थी, मैंने कहा चल के आया फटाफट, तो अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया, तो फिर मैंने इसमें अपलोड कर दिया, तो अच्छा लग रहा है ना। ये ऐसा होता है कि कभी कभी घूमने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा तो अच्छा गाइस लगता है, हमारे पार्क में, वो माइंड पार्क में फ्रेश यहाँ हो पे लगा जाता हुआ है। है, ये देख सकते हैं आप, तोब है और उस साइड एरोप्लेन है। डेविन कहाँ जा? वो जहाज देखने जा रहा है। और इस साइड है तोब, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। ये तोब है और उस साइड एरोप्लेन है। तो हमारे यहाँ पे पार्क में लगा हुआ है ये, यहाँ पे क्रैश हो गया था तो जब से ये यहीं पर ही है। ये उस साइड से कैसा है? हैं? उस साइड से कैसा? घुसते कहाँ? ऊपर से? मतलब इसमें घुसना है ऊपर से है ना? दोस्तों देख लो आप सब, ये है तोब और उस साइड है एरोप्लेन। तो ये वो एरोप्लेन है जो यहाँ पे क्रैश हो चुका था, और फिर तब जब से ये यहीं पे रखा गया है और लोग इसे आते हैं देखने के लिए। तो देख सकते हैं
ये पैसेंजर वाला नहीं है, ये है वन पैसेंजर वाला, वन वाला है जिसमें सिर्फ एक ही बैठ सकता है। तो मैं कैसे लग रही हूँ? और वो दोनों बाबीटा उधर है। हे फैमिली, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता। तो शाम के नाश्ते में मैंने ये जो मुरमुरे हैं ये हल्के से इस्तेमाल से गए थे क्योंकि बारिश का मौसम है, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म कर दिया था और थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद ये बहुत ही कुरकुरे से हो गए थे। तो मैंने इसमें काट लिए हैं ये थोड़े प्याज, थोड़े मिर्च, और मैंने ये जो चना और मूंग की जो दाल है मैंने इनको अच्छे से भिगो के भिगने के लिए छोड़ दिए थे। ये भीगने के बाद इसमें अच्छे से ये दो देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से वो निकल गए हैं इसमें, इस तरह से जो है इसमें डाल दिया है मैंने। और साथ में नमकीन, साथ में मिर्च, तेल, नमक, चाट मसाला, हर चीज़ इसमें ऐड कर दी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो शाम के नाश्ते में इसे ज़रूर खाइए, ज़रूर बनाइए, टेस्टी है, हेल्दी है, साथ में सबको बहुत ही पसंद आने वाला ये अच्छा सब, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरे पास भुजिया है, आलू भुजिया, आपके पास जो भी नमकीन हो, कुछ भी हो, आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके पास किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, कुछ भी हो वो डाल दो आप, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आइए चाय के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बनाइए और सबको खिलाइए, ज़रूर सबको पसंद आएगा। तो मैंने इस तरह से सारी रेसिपी, मतलब इस तरह से मैं बना के थोड़ी छोटी मोटी रेसिपी अपनी शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।